झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण पर 13 सीटों पर आज शनिवार को मतदान खत्म हो गया है। 3 बजे तक करीब 63% मतदान हुआ है। पहले चरण के मतदान में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर अपने मतों का इस्तेमाल किया। पहले चरण में मतदान का ब्यौरा कुछ इस तरह है। चतरा में 56.59%, गुमला में 67.30%, बिशुनपुर में 67.4%, लोहरदगा में 64.16%, मनिका में 57.61%, लातेहार में 61.26%, डाल्टनगंज में 63.90%, पांकी में 64.10%, विश्रामपुर में 61.60%, छतरपुर में 62.30%, हुसैनाबाद में 60.90%, गढ़वा में 66.4%, भवनाथपुर में 65.53%। इस दौरान हिंसा की छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। नक्सलियों ने गुमला में एक पुल को बम से उड़ा दिया, तो वहीं डाल्टनगंज सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर चौरसिया के समर्थन पर हमला करने का आरोप लगाया है, तो वहीं केएन त्रिपाठी पिस्तौल लहराते हुए दिखे। झारखंड के 81 सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होने हैं। दूसरे चरण का मतदान 7 दिसंबर, तीसरे चरण का मतदान 12 दिसंबर, चौथे चरण का मतदान 16 दिसंबर और पांचवें चरण का मतदान 20 दिसंबर को होगा और चुनाव के परिणाम 23 दिसंबर को आएंगे। न्यूज़ डेस्क।